राम के केवट पिछले जन्म में कौन थे? गुरुराज निषाद ने अपनी नाव में प्रभु श्री राम को गंगा के उस पार उतारा था। आज गुरुराज निषाद के वंशज और उनके समाज के लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। चैत्र शुक्ल पंचमी को उनकी जयंती मनाई जाती है। गुरुराज निषाद ने पहले प्रभु श्री राम के चरण धोए और फिर उन्होंने अपनी नाव में प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण सहित बैठाया। पुराणों के अनुसार भगवान राम को गंगा पार कराने वाले केवट पूर्व जन्म में खचुआ थे और श्री हरि के अनन्य भक्त थे। मोक्ष पाने की इच्छा से उन्होंने क्षीर सागर में भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करने की कई बार कोशिशें की, लेकिन असफल रहे। अगले कई जन्मों तक भी यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने भगवान को पहचानने की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली। त्रेता युग में इसी खचुए ने केवट के रूप में जन्म लिया और फिर प्रभु श्री राम जब वनवास गमन के समय गंगा पार करने के लिए गंगा किनारे खड़े हुए तो केवट ने उन्हें पहचान लिया। निषाद राज केवट का वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में किया गया है। राम केवट को आवाज देते हैं, नाव किनारे ले आओ, पार जाना है। मागी नाव न केवट हुआ नाका है, तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहू सब कहाई, मानुष करन मोरी कछु आही। श्री राम ने केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं है। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। वह कहता है कि पहले पांव धुलवाओ, फिर नाव पर चढ़ाऊंगा। छुवत सिला भई नारी सुहाई, पान तेना काठ कठिनाई। तरनी मुने घरी न्योई जाई, बाट परई मुरी नाव उड़ाई। कहने का तात्पर्य है कि जिसके छूते ही पत्थर की सिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं है। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लूट जाऊंगा जिससे आप पार ना हो सकोगे और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी, मेरे कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। केवट ने भगवान से कहा कि मैंने सुना है आपके चरणों में ऐसा जादू है कि पत्थर भी मनुष्य बन जाता है। मेरी नाव तो लकड़ी की है और उसी से मेरा घर खर्च चलता है। अगर वह भी मनुष्य में बदल कर गायब हो गई तो मेरी रोजी रोटी छिन जाएगी। अतः मैं आपके पांव पखार कर यह देखूंगा कि कुछ होगा तो नहीं, तभी मैं आपको गंगा पार कराऊंगा। यही प्रतिपालू सब परिवारू, नहीं जानू कुछ और कवारू। जो प्रभु पार अवश्य गए चाहू, मुई पद पदुम पखारन कहू। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, चरण को धो लेने दो, तभी मैं आपको गंगा पार कराऊंगा। तो दोस्तों, यह पौराणिक जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।